गाइस, अगर आपका ग्रो डीमैट अकाउंट लॉस में जा रहा है या किसी और कारण से अगर आप ग्रो डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको ए टू जेड ग्रो डीमैट अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस बताऊंगा, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो और आसानी से आप डीमैट अकाउंट को क्लोज कर पाओगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से डीमैट अकाउंट को क्लोज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विथ माय चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ग्रो डीमैट अकाउंट क्लोज करने का जो प्रोसेस है इसके ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल में चैनल मौजूद है, आप उसे जाकर देख सकते हो। उसमें ए टू जेड प्रोसेस है ग्रो डीमैट अकाउंट क्लोज करने का, उसमें दिया गया है आपको किस प्रकार से कस्टमर केयर को मेल करनी है और मेल करने के बाद आपको जो एक पीडीएफ क्लियर फॉर्म आपको दिया जाएगा उसे ओपन करनी है। ओपन करने के बाद उसको फिलअप करने के बाद आपको बाय पोस्ट कर देनी है। तो एक बात आपको जान लेनी जरूरी है कि आपको डीमैट अकाउंट क्लोज करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऑफलाइन है, किसी प्रकार का ऑनलाइन आपको प्रोसेस नहीं मिलेगा। आपको जब भी डीमैट अकाउंट को ओपन करनी होती है तो ऑनलाइन आपको ओपन करनी होती है, बट आपको इसे क्लोज करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस करनी होती है। तो गाइस आपका बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये जो फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन और कमेंट आ रहे थे, तो उसे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको जो फॉर्म है डीमैट अकाउंट क्लोज करने का उसे आपको ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद ए टू जेड में ऊपर से एंड तक आपको मैं बताऊँगा प्रोसेस, तो आपको ध्यान से देखनी है जिससे किस प्रकार कन्फ्यूजन ना हो और आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिलअप करनी है। तो सबसे पहले गाइस आपको एप्लीकेशन नंबर ऊपर में दिया जाएगा, तो एप्लीकेशन नंबर वो है जो गाइस आपको जो कस्टमर केयर की तरफ से आपको एक टिकट आईडी जो एक क्रिएट करके दिया जाता है। जब भी आपको किसी प्रकार का इशू होता है तो आपको जब भी आप मेल करते हैं कस्टमर केयर का तो एक टिकट आईडी क्रिएट करके दिया जाता है, तो उस टिकट आईडी को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लोजर इन टाइट पैड है, तो उसके नीचे में आपको BODP and CDSL का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जान लेनी है कि क्लोजर बाय इंटाइट में आपको क्या है, डीपी है, सीडीएसएल है या बीओ है, तो आपको यहाँ पे डीपी में क्लिक कर देनी है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे क्लोजर फोर है, तो आपको यहाँ पे क्लोजर फोर में ट्रेडिंग डीमार्ट एंड बोथ, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग या डीमार्ट या बोथ दोनों अगर आप यहाँ पे क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे दोनों में आपको टिक मार्किंग कर देनी है। अगर आप ओनली आप डीमार्ट अकाउंट में क्लोज करना चाहते हो ओनली डीमार्ट अकाउंट में टिक मार्किंग करनी है, अगर आप ओनली ट्रेडिंग करना चाहते हो क्लोज तो आपको ओनली ट्रेंडिंग में टिक मार्किंग कर देनी है। और उसके ऊपर में आपको डेट दे देनी, जिस दिन आप फिलअप करोगे फॉर्म को और सेंड करोगे उस दिन आपको यहाँ पे डेट देनी है उसी दिन का। उसके बाद गाइस जो किसको आप ये जो फॉर्म को भेजोगे उसका यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया है, टू नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे डी पी एड दे दिया गया है कर्नाटका 4th फ्लोर ब्लैक बेंगलोर। उसके नीचे में गाइस दे दिया डियर सर मैडम आई विल द सोल होल्डर गार्जियन इन केस मॉनिटर क्लियरिंग मेंबर रिक्वेस्ट और यू क्लोज माई आवर अकाउंट विदाउट फॉर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये दे दिया गया है। तो आपको इसके नीचे ही में अकाउंट होल्डर डिटेल्स दे दिया गया है, तो यहाँ पे डी पी आई डी शो कर रहा है और यहाँ पास में ही उसके सामने में क्लाइंट आई डी शो कर रहा है, आपको क्लाइंट आई डी देनी है। आपको पर्सनल डिटेल्स में जो भी क्लाइंट आई डी मिल जाएगा तो उसके लास्ट वाला जो क्लाइंट आई डी का नंबर है उसको आपको यहाँ पर डाल देनी है। और क्लाइंट आईडी में बहुत सारे आपका कन्फ्यूजन थे कि क्लाइंट आईडी आपका जो है 10 नंबर का है, बट यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे 8 नंबर का है, तो आपको लास्ट वाले जो भी 8 नंबर आते हैं उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे गाइस ट्रेंडिंग दे दिया गया है, तो ट्रेंडिंग में एनएससी एंड बीएससी का ऑप्शन शो कर रहा है, तो गाइस सबसे पहले आपको जो पता करना होगा कि आप जो ट्रेंडिंग है वह एनएससी सेंसेक्स में आता है ना बीएससी सेंसेक्स में आता है, इसे आपको पता करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो इसके सामने में भर देना होगा कि एनएससी जो ट्रेनिंग कौन सा सेक्शन में आता है। उसके बाद गाइस नेम ऑफ द सोल्ड होल्डर है, तो अगर आपका नाम है जो सोल्ड होल्डर है उनका यहाँ पर नाम दे देनी है। नाम देने के बाद नीचे में ही आपको दे दिया गया है एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, तो इस यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जो एड्रेस है फुल फिलअप करनी है, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस दिया गया था और जब भी आप डीमैट अकाउंट जो ओपन किए थे जो एड्रेस दिया गया था उसी एड्रेस को आप यहाँ आपको फिलअप करनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है सिटी, तो आपको जो भी सिटी में है आप सिटी का नाम दे दीजिए, और देने के बाद यहाँ पे जो स्टेट का ऑप्शन शो कर रहा था आपको स्टेट में आपका जो भी स्टेट पड़ता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है, दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर है, जो भी आपका एरिया का पिन नंबर है उसको दे देनी है पास में। उसके नीचे में ही आपको दे दिया गया डिटेल्स फॉर रिमेनिंग सिक्योरिटी बैलेंस, तो रीजन फॉर क्लोजिंग अकाउंट, आप किस रीजन से आप जो अकाउंट है उसे क्लोज करना चाहते हो उसे आपको पूछा गया है। तो अगर आपका इस
जो डिमांड अकाउंट को अब मैं अगर किस प्रकार अगर ऑप्शन में अगर आपका किस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है या अगर आपका जो डिमांड अकाउंट लॉस में जा रहा है, ये सारे जो भी आपका रीजन है इसे यहाँ पे आपको दे देनी है रीजन क्लोजिंग अकाउंट में, और देने के बाद नीचे में आ जानी है और बैलेंस रेमिंग इन अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे दे दिया गया है बैलेंस रेमिंग इन अकाउंट, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है अगर आप पार्टी आप अगर आपका अकाउंट में किस प्रकार का बैलेंस है, अगर दूसरे पार्टी का आप यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हो या अगर आप यहाँ पे नो अप्लीकेबल करना चाहते हो या नो ट्रांसफर करना, अगर जीरो बैलेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट अप्लीकेबल में कर देनी है। अगर आपका किस प्रकार का जीरो बैलेंस नहीं है, अगर आप दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो या बैलेंस निकालना चाहते हो या अगर बैलेंस को अब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर अगर आप दूसरे अकाउंट में, तो यहाँ पे पार्टी ऑफ रिमाइंड पार्टी ट्रांसफर में क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले तो आपको जान लेनी है कि अगर आप जब भी डिमांड अकाउंट क्लोज करते हो तो आपको जो डिमांड अकाउंट में बैलेंस जीरो रखनी है, आपको किस प्रकार का उसमें बैलेंस रखनी ही नहीं है, बेटर देन। उसके बाद गाइस यहाँ पे DP ID दे दिया गया, DP ID का उसके नीचे में ऑप्शन दे दिया गया था, यहाँ पे DP ID के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। उसके सामने में मैंने बता दिया था क्लाइंट ID है, तो क्लाइंट ID में आपको क्या फिलअप करनी होती है, तो आपको जो भी क्लाइंट ID है पर्सनल डिटेल्स में आपको वहाँ से यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर जो भी 8 जो आपका जो लास्ट वाला संख्या आएगा उसका वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ बैलेंस प्रेजेंट अकाउंट, तो यहाँ पे गाइस प्रेजेंट अकाउंट में जो दे दिया गया है ईयर मार्केट और पेंडिंग अकाउंट डिटरमिनेशन और पेंडिंग रिटायरमेंट लॉक इन और फॉरजेन। तो गाइस यहाँ दे दिया गया फिलहाल में आप जो आपका अकाउंट है वो कौन से अकाउंट में है और यहाँ पे कहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहता है प्रेजेंट में अकाउंट में या DP ID एप्लीकेशन में, तो इसमें आपको जो भी है आपको यहाँ पे आपको जान लेनी है कि पेंडिंग फॉर डिटरमिनेशन जो है डिमोबिलाइजेशन जो है या पेंडिंग फॉर रिमेटरलाइजेशन का है, इसमें आपको जो भी आपका है उसमें आपको टिक मनी कर देती है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर लॉक करना चाहते हैं लॉक इन में आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद कह दिया है डिक्लेरेशन, तो इन केस ऑफ द अकाउंट क्लोजर ऑफ ड्यू शिफ्टिंग ऑफ अकाउंट, और नीचे में दे दिया गया आई वी डिक्लेयर टू कंफर्म दैट ऑल द ट्रांजेक्शन इन माई आवर डिमांड अकाउंट ट्रू। तो आप जब भी आप जो भी आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सच है और ठीक ठाक दे रहे हैं, ये इसके लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दिया गया है। उसके बाद नीचे में गाइस यहाँ फर्स्ट होल्ड होल्डर का ऑप्शन शो कर रहा था, यहाँ पे फर्स्ट जो होल्डर का नाम है अपना उसे यहाँ पर डाल देनी है, और डालने के बाद नीचे में सिग्नेचर का ऑप्शन शो कर रहा था वो सिग्नेचर पर क्लिक कर देनी है। और यहाँ पे अगर DP और CDSL इंटायर अकाउंट क्लोजर फॉर्म है तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका DP और CDSL अगर के अलावा दूसरा है तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने की आवश्यकता है। अगर आप DP और CDSL अगर इंटायर अकाउंट क्लोजर सिग्नेचर का यहाँ पे अगर होल्डर है आप तो यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है सिग्नेचर। उसके बाद में नीचे में दे दिया गया है नॉलेजमेंट रिसिप्ट, तो यहाँ पे गाइस एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है तो आपको फिर से एप्लीकेशन नंबर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो डेट दे दिया गया है तो आपको पास में यहाँ पे डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे DP ID का ऑप्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे फिर से DP ID दे दिया गया आपका, तो यहाँ पे क्लाइंट ID सामने में डाल देनी है, और डालने के बाद यहाँ पे गाइस नीचे में फर्स्ट होल्डर एंड सेकेंड होल्डर और थर्ड होल्डर का ऑप्शन दिया गया है और रीजन फॉर क्लोजर का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपका जो अगर तीन होल्डर है ऑलरेडी अगर तीन होल्डर है तो आपको यहाँ पे तीनों होल्डर का नाम देनी है और यहाँ पे रीजन फॉर क्लोजर का ऑप्शन दे देनी है। रीजन फॉर क्लोजर का ऑप्शन दे देनी है। अगर आपका यहाँ पे नहीं है अगर तीन होल्डर नहीं है तो आपको इसको फिलिंग में बैलेंस छोड़ देनी है और यहाँ से आपको टीयर कर देनी है। ऊपर में जो प्लीज़ टीयर का ऑप्शन शो कर रहा है इसको ऊपर आपको टीयर कर देनी है। ओके, अगर आपका सिंगल अगर आप है तो अगर तीन होल्डर है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को इसको टीयर नहीं करनी है। और नीचे में गाइस यहाँ पे इंट्रैक्शन टू अकाउंट होल्डर, तो गाइस अगर आपका जो तीन होल्डर है अगर उस जो बैलेंस है अगर आपके अकाउंट में अगर आपको दूसरे बैंक में विभाजन करना चाहते हो तीनों को बैंक में या अलग बैंक में किसी ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे डिपोजिटरी जो पार्टिसिपेट सील जो सिग्नेचर यहाँ पे करनी होती है तो यहाँ पे आपको करनी होगी। तो यहाँ तक आपको टोटली करने के फिलअप करने के बाद गाइस आपको जो मेल में एक जो एड्रेस दिया जाता है मेल में जिस पर आपको इस बाई पोस्ट करनी होती है तो ये सारे को फिलअप करने के बाद आपको उस मेल एड्रेस पर आपको सिंपली बाई पोस्ट कर देनी होती है। तो जो भी बाई पोस्ट करने का जो प्रोसेस है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको फिलअप करके और आपको बाई पोस्ट कर देनी उस एड्रेस पर। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल रहा किस प्रकार से आपको इस डिमांड जो क्लोजर फॉर्म है इसको क्लोज करके और किस प्रकार से फिलअप करके और आपको बाई पोस्ट करनी होती है। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन है कि किस प्रकार से मैं डिमांड अकाउंट को क्लोज करूं और किस प्रकार से इसे फॉर्म को फिलअप करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह से और वीडियो के लिए मैं चैनल सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।